हाँ, मैं यही कारखाने में रहता हूँ, और यहाँ पे नहाना धोना सब यही कारखाने में रहने का, 24 घंटे यहीं पे ही रहने का। मुझे 15 दिन से अभी 5 दिन का वैकेशन छुट्टी दिया गया था, उसके बाद में अभी 10 दिन से पूरा बेकार बैठे हैं कि वैकेशन बाद हमने फ़ोन किया कंपनी को कि भाई हम कब काम पे आए, तो बोल रहे हैं कि अभी आपकी ज़रूरत नहीं है, आप घर पे ही बैठो। इस रशिया और यूक्रेन के वॉर के कारण हमारे 30 से 50 हज़ार वर्कर्स बेरोजगार हुए हैं, और हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये वॉर रुक जाए, और अगर नहीं रुके तो आने वाले दिनों में ये वो इसकी असर पूरी कहाँ तक जाएगी वो तो हमको नहीं पता। We are more and more getting dependent on South African mines, which is affecting rough price. Also, Ukrainian tools are used in Angola government mines, so they are not getting any services or any tools replacement from Ukrainian government. So that also is affecting South African mines. In short, we are getting lesser rough than what we used to get. That's why price market is also fluctuating. सूरत ने विश्व को, पूरे विश्व को डायमंड घिस घिस के दिया है, लेकिन हमारे रत्न कलाकार घिस रहे हैं। डायमंड के साथ साथ हमारे रत्न कलाकार भी घिस रहे हैं। युद्ध तो बंद हो जा रहे हैं सबको, क्योंकि इसके हिसाब से सभी लोगों की रोजी रोटी चलती है, तो ये युद्ध बंद हो गया, युद्ध तो बंद हो जाए, होना चाहिए।